लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में महिला आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल ने मारा छापा। महिला आयोग की सदस्य के छापे से महिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला आयोग की सदस्य ने आशाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता है कि आशाएं दलाली करती हैं, इसे वह खुद पकड़ेंगी और कार्यवाही करेंगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल ने लोहिया महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने महिला अस्पताल की ओपीडी, लेबर रूम, ओटी, पर्चा काउंटर आदि चेक किया और महिला मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बात की, उनकी समस्याओं को सुना। सिस्टर इंचार्ज सहित कईयों की लगाई क्लास और साथ ही कई लोग मिले बिना ड्रेस, जमकर हड़काया उन्हें। आशा बहु अस्पताल में खाना खाती मिली और उसने महिला आयोग के सदस्य को बहकाने का प्रयास किया। इसी दौरान अस्पताल में बैठी एक आशा विमला देवी के द्वारा सही जानकारी न देने पर उसकी जमकर क्लास लगा दी और आक्रोशित महिला आयोग सदस्य ने कहा कि उन्हें पता है कि आशा बहुएं दलाली का कार्य करती हैं और इसकी वह जांच कराएंगी और खुद उन्हें पकड़ेंगी और पकड़े जाने पर कार्यवाही की जाएगी। आपने लोहिया महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या मामले निकलकर सामने आए? मामले तो वैसे हमें सब ठीक ही लगे हैं, क्योंकि जैसे काम होना चाहिए वैसे लोग काम कर रहे हैं। 105 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ऑपरेशन भी ठीक हुआ है, 8-10 ऑपरेशन हुए हैं, काम सुचारू चल रहा है। आपने अभी प्रकरण उठाया, आपने खुद उठाया कि जो आशा बहू है वो दलाली करती है यहाँ पे, इस पे कैसे रोकथाम लगाएंगे? आशा बहू मुझको मिस गाइड कर रही थी कि वो खुद सर्विस ने बताया मैं आशा बहू हूँ, इसलिए मुझको गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं तुम सही से मुझको बता रहे हो। वो सरकार उसको खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है यहाँ के मरीजों को, उसको स्वयं बताना चाहिए कि मैं आशा बहू हूँ मैडम और मैं यहाँ की मरीज नहीं हूँ। फरुखाबाद में आशा बहुओं की बल पर कई ऐसे अस्पताल प्राइवेट संचालित हैं जहाँ अपने डॉक्टर नहीं है, लोगों ने ठेके पे खोल रखे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो मैं छानबीन करूंगी इसके लिए, पहले मैं पकड़ूंगी तब तो मैं मीडिया को बताऊंगी, बिना देखे मैं कुछ नहीं कहूंगी। आज आपको क्या क्या कमियां मिली हैं? वैसे मैं कमियां तो कोई ऐसी नहीं मिली है, क्योंकि जितना मैं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैसे रजिस्ट्रेशन भी हुआ है जी। मरीजों से मैंने जानकारी ली, दवाइयां भी जो है वो सब उपलब्ध हुई है। मैडम आपके मुताबिक डॉक्टरों की कमी लगी आपको यहाँ पर, की संख्या कम है डॉक्टरों की? अल्ट्रासाउंड का भी इनका एक नया बन गया है रूम, 25 अल्ट्रासाउंड, टीकाकरण भी, क्या महिला टीकाकरण पूरे हैं जी? महिला चिकित्सक पूरे हैं क्या या कमियां हैं? थोड़ी कमी है, उसको सरकार पूरा करेगी, जल्दी पूरा करेगी। टीकाकरण जो है 60, सिस्टर इंचार्ज से कुछ कमी पाई गई थी, कहा है आज ही उसका एंडिंग हुआ, क्या मामला था? 60 लेबर रूम में, सिस्टर इंचार्ज में लेबर रूम में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने ये बोला कि तुम लोग ऐसे यहाँ क्यों घूम रहे हो, तो उसे मैडम डॉक्टर आ रही है, उसके बाद क्या नाम है यहाँ ऑपरेशन होगा, अभी डॉक्टर नहीं आई है उस रूम से आई है।